वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में, मैं मेघा। असम के डिब्रूगढ़ जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां बुरही दिहिंग नदी में आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग के शोले आसमान छूने लगे, धुएं के गुबार से आसपास का इलाका काला पड़ गया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर कैसे लगी नदी में आग और क्या रहा इसका असर। मामला डिब्रूगढ़ जिले के नहरकटिया के सासोनी गांव के पास दिघोली बिल क्षेत्र का है, जहां बुरही दिहिंग नदी से ऑयल इंडिया लिमिटेड की कच्ची तेल की पाइपलाइन गुजरती है। बताया जा रहा है कि तेल पाइपलाइन फटने की वजह से तेल पानी की सतह पर आ गया और उसमें आग लग गई। आग की भीषण लपटों से दूर दूर तक काला धुआं छा गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलिया जन संयंत्र से कच्चा तेल नदी के साथ जुड़े एक पानी के पाइप में आया था। ग्रामीणों ने शक जताया कि कुछ उपद्रवियों ने कच्चे तेल के नदी में आने के बाद उसमें आग लगा दी, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। नदी में आग लगने की घटना पर ऑयल इंडिया लिमिटेड की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस समस्या की शुरुआत दुलिया जान में सेंट्रल टैंक फार्म से हुई, जहां प्रेशर बिल्डअप के लिए सभी क्रूड ऑयल स्टोरेज टैंक के इनलेट्स और आउटलेट्स के रिमोट ऑपरेटेड वॉल्व और मोटर ऑपरेटर वॉल्वो को अचानक बंद किया गया था। इससे डिलीवरी पाइपलाइन में कई जगह रिसाव हुआ। ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रवक्ता त्रिदेव हजारिका ने आशंका जताई कि इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने नदी में तैर रहे तेल में आग लगा दी, जिससे आग ने नदी में भीषण रूप ले लिया। आग लगने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घटना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए हैं। लोगों का कहना है कि आग से पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रही है, साथ ही आसपास के लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये थी हमारी डिब्रूगढ़ पर रिपोर्ट। देश दुनिया के और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता को। धन्यवाद।